अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैंने आपको आर्टिकल सर्च करने के लिए कहा था, लेकिन कुछ लोगों से वो भी मतलब कि उनको मुश्किल हो रही है, तो मैं सिंपली आपको बताती हूँ कि कैसे आपने उसको सर्च करना है और कैसे जो है आपने उसका लिटरेचर रिव्यू लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा टॉपिक है FTI एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन पाकिस्तान, ठीक है। ये सिंपली मैंने सिर्फ गूगल पे लिखा है, तो हमारे पास इम्पैक्ट आ गया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। इसको मैंने ओपन कर लिया, तो डायरेक्टली ये हमारे पास PDF में जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको दूसरा मेथड बताया था कि आपने जाना है गूगल स्कॉलर पे, ठीक है। गूगल स्कॉलर पे जब जाओगे आप, तो यहाँ पे आपने आर्टिकल्स में जाना है, और यहाँ पे सिंपली हम यहाँ से कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पे आपने पेस्ट आउट कर देना है, तो आपके पास जो है डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिकल्स निकल आएंगे, ठीक है। ये देखें, ये इतने ज़्यादा जो है हमारे पास आर्टिकल हैं। आपने सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं रहना, हम डेटा पाकिस्तान के लेके पाकिस्तान पे काम करेंगे, लेकिन अगर आपको पाकिस्तान के अलावा भी किसी कंट्री का मिलता है, ठीक है, तो आप उसका भी कर सकते हो। ये देखें कितने ज़्यादा आर्टिकल हैं। अब यहाँ पे जो हमने आर्टिकल खोला है, इसके लास्ट पे देखें, ये तो पूरा रिसर्च पेपर निकल आया है, ठीक है। ये लास्ट पे जो है ये रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है। इन रेफरेंसेस से हम फर्दर जो है अपने आर्टिकल्स जो है वो निकाल सकते हैं, जो हमारे हमें लगेगा कि हमारे जो है टॉपिक है उससे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, एक्सचेंज रेट वॉलीटेलिटी का उन्होंने जो है इंडिकेटर यूज़ किया होगा वेरिएबल का, ठीक है। रेमिटेंसेस का यूज़ किया होगा, जो जो वेरिएबल उन्होंने यूज़ किए हैं उससे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो उन्होंने रेफरेंसेस में दिए हुए हैं। आप देखें फॉरेन एड और सेविंग एंड ग्रोथ, ये भी रिलेट कर रहा है। यहाँ पर देखें हाउ डज फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो हमने सर्च किया है। तो हम इसको सिंपली यहाँ से इस तरह आप उसको कॉपी करेंगे और आप यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे, तो डायरेक्ट जो आपका आर्टिकल है वो निकल आएगा। ये फर्स्ट वन है, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी हम गूगल स्कॉलर पे कोई भी आर्टिकल जो है वो सर्च करते हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे एनी टाइम सिंस 2021 2020, ठीक है। हमें जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो अब रिसेंट टाइम का है वो चाहिए होता है, ठीक है। तो हम सिंस 2020 पे जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि कितने लोगों का जो है वो 2020 में काम हुआ है। वो हमने जो है लिटरेचर हमेशा रिसेंट ईयर्स का लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा सिंस 2021 पे जाएंगे, तो 2021 में सिर्फ एक जो आर्टिकल है जिस पे काम हुआ है, और सिंस 2020 तक जो है वो बहुत सारे आर्टिकल्स आपको इस टॉपिक पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपने 20 से 30 के दरमियान जो है वो आर्टिकल्स जो है वो डाउनलोड कर लेने हैं। अब हमारे पास जो है ये आर्टिकल था एक, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ से वर्ड फाइल खोलूँगी, लिटरेचर रिव्यू को आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में करते हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, यानी कि ज़्यादा से आप काम की तरफ जाते हो ईयर वाइज। सबसे पहले अगर हमारे पास 2020 का आर्टिकल है, तो हम उसको जो है सबसे ऊपर करेंगे, देन हम सेकेंड वन और थर्ड वन, ठीक है।
अब लिटरेचर रिव्यू में सबसे पहले जो आप लिखते हो, अगर सबसे पहले आप राइटर का नेम देखोगे कि राइटर का नेम क्या है, हमारे पास वकास जावेद, वकास जावेद ही है, ठीक है। एक राइटर है तो उसका सार नेम लिखते हैं, ठीक है, जावेद। अब ईयर कौन सा है हमारे पास इस पेपर का, 2016 है। जिस ईयर में पेपर पब्लिश होगा वो आपने लिखना है, ठीक है। अब उसने क्या काम किया है, एनालाइज्ड द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब सेकेंडली हम देखेंगे उसने कौन सी कंट्री में किया है और कौन से कहाँ से कहाँ तक डाटा उसने यूज़ किया है, ठीक है। 1966 से उसने 2014 तक डाटा किया यूज़ किया है पाकिस्तान में, इन पाकिस्तान यूजिंग डाटा फ्रॉम 1966 टू 2014। आपने कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, अपने वर्ड्स में लाइंस को जो है वो डिफाइन करना है, ठीक है। प्लेजरिज्म बिल्कुल नहीं आना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि उसने मेथडोलॉजी क्या अप्लाई की है, ठीक है। उसके इंडिकेटर्स कौन से हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके एब्स्ट्रैक्ट होते हैं ना, ये समरी जो दी हुई है इसके अंदर ही लिखा होता है कि उसने ये तो प्रॉपर रिसर्च पेपर उसका निकला है ना, इसमें उसने बताया कि उसने ऑटो रिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग एरर करेक्शन मॉडल जो है वो अप्लाई किया है, जो कि आपने इकोनोमेट्रिक्स 2 में पढ़ा होगा, इकोनोमेट्रिक्स में पढ़ा होगा, ARDL मॉडल होता है, ठीक है। और एरर करेक्शन मॉडल टेक्निक उसने यूज़ की है लॉन्ग रन फैक्ट्स और शॉर्ट रन फैक्ट्स को देखने के लिए बिटवीन द FDI एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। और उसने बताया हुआ है कि FDI का पॉजिटिव इफेक्ट है GDP ग्रोथ पे, ठीक है। और जो एरर करेक्शन मॉडल है मीन्स के ARDL में जब आप शॉर्ट रन के रिजल्ट्स देखते हो तो ECM होता है, ठीक है, वो कॉफिशियंट जो है वो कन्वर्जेंस को बता रहा होता है शॉर्ट रन से टुवर्ड्स लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पाथ की तरफ, ठीक है। अदर फैक्टर्स जैसे उसने इन्फ्लेशन लिया है, वेरिएबल इन्फ्लेशन, ठीक है, पॉपुलेशन लिया हुआ है उसने एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उनका GDP पे देखा हुआ है, ठीक है। और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और ट्रेड का भी उसने देखा है, ठीक है। और उसने बताया कि ये तमाम के तमाम जो है वो वेरिएशन बता रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में। अब यहाँ पे की वर्ड्स से हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सा काम करने जा रहा है, ठीक है। FDI और GDP का देख रहा है, ग्रोथ और पाकिस्तान और ARDL, ठीक है। ये बेसिक जो समरी थी इसी से हमें पता चल गया कि हमने अपने जो है क्या कहते हैं लिटरेचर रिव्यू के अंदर क्या लिखना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे जो है मेथडोलॉजी नहीं मिल रही तो आपने सिंपली जो है आप इसकी मेथडोलॉजी में जाओगे, ये देखें डाटा। अब डाटा जो है वो कहाँ से उसने लिया है वो हमें डाटा के अंदर पता चलेगा, ठीक है। उसने बताया कि इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट ऑफ FDI ऑन GDP ग्रोथ यूजिंग टाइम दिस दिस। और उसने कहा है कि उसने डाटा कहाँ से लिया है, वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर से उसने डाटा लिया है। तो हम अपने यहाँ पर लिखेंगे जो कि बात उसने ऊपर समरी में नहीं बताई हुई, तो द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक इंडिकेटर्स, ठीक है। द स्टडी यूज्ड ए ऑटो रिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग्ड मॉडल एंड एरर करेक्शन मॉडल फॉर द
एम्पिरिकल एनालिसिस एंड FDI इन्फ्लेशन पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेड यूज्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम ये लगाने के बाद हम देखेंगे कि रिजल्ट्स क्या हैं उसके। ठीक है, हम रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में उन्होंने बताया होगा। ठीक है, ये ARDL के रिजल्ट दिए हुए हैं सारे ऑप्टिमम, ये सारा उन्होंने इकोनोमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू बताया हुआ है। हम जो है इसकी कंक्लूजन में देखेंगे कि कंक्लूजन ये है। ठीक है, अब उन्होंने बताया है कि इम्पैक्ट ऑफ FDI वो सारा उसने फिर बताया हुआ है। ठीक है, और उसने ये बताया कि FDI का पॉजिटिव जो है और सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब होता है कि इम्पोर्टेंस कितनी है और ये सिग्निफिकेंट आना चाहिए आपके वेरिएबल्स का रिजल्ट जो है। ठीक है, तो उसने ये बताया कि FDI का पॉजिटिव रिलेशन है विद GDP ग्रोथ इन पाकिस्तान। ठीक है, शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी। तो हम देखेंगे द रिजल्ट शॉव्ड और इंडिकेट दैट देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन FDI एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन पाकिस्तान। ठीक है, और फर्दर हम इसमें जो है वो पॉलिसी रिकमेंडेशन देखेंगे कि पॉलिसी रिकमेंड क्या किया हुआ है इसने। ये देखें, सम पॉलिसी सजेशंस फॉर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आर स्टेटेड हियर। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान इट इज़ नेसेसरी टू इम्प्रूव द प्रोटेक्शन एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। अब यहाँ पर आपने बताना है द पेपर द स्टडी रिकमेंडेड that government should क्या था, it is necessary to improve production and government should improve policies related to प्रोटेक्शन एंड इंश्योरेंस। ठीक है, इसी तरह आपने जो है ना लिटरेचर सबका इसी तरह करना है, जितनी भी पॉलिसीज रिकमेंड हुई होंगी वो आपने खुद ही जो है वो ऐड कर देनी है अपनी वर्ड फाइल में। ठीक है, बेसिक लिटरेचर रिव्यू में आपने क्या करना है कि जो आपका जो आर्टिकल है उसमें जो राइटर का नेम है उसका सर नेम लिखना है अगर एक है, जो दो वाला है उसका मैं आपको प्रॉपर जो है वो भेज दूंगी एक फाइल अपनी जो है उसके अकॉर्डिंग जो है आपने उस तरह टाइप करके तो करना है। ठीक है,
अब यहाँ पे एनालाइज द इम्पैक्ट, वो सारा जो है जितना मैंने आपको प्रोसीजर बताया कि वो क्या काम कर रहा है, कौन से कहाँ से कहाँ तक उसने डाटा लिया है और उसने कहाँ से डाटा लिया है, वेरिएबल्स कौन से यूज़ कर रहा है वो आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन अगर मेन वेरिएबल इंक्लूड करना है तो बस वो भी कर सकते हो, ठीक है। स्टडी ने कौन सा मेथडोलॉजी यूज़ की है, ठीक है, और उसके रिजल्ट क्या आए हैं, पॉजिटिव आए हैं और नेगेटिव आए हैं, और फर्दर वो रिकमेंड क्या कर रही है, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू में हम ये देखते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा एक और चीज़ कि जब भी आपने कोई आर्टिकल डाउनलोड करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये वाला कोई भी आर्टिकल है, तो जो भी आपने रेफरेंस लेना है वो आपने इसका यहाँ से, ये डबल जो है इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ से जस्ट आपने जो APS स्टाइल का है ये आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है, यहाँ से आपने जस्ट कॉपी करना है और अपने रेफरेंसेस में साथ साथ ही जो जो आर्टिकल डाउनलोड करोगे वो आपको गूगल स्कॉलर से ही ये साइटेशन मिलेगी, आपको वैसे गूगल से नहीं मिलेगी, तो वो आपने रेफरेंसेस में ऐड कर लेना है, ठीक है, ये लाजमी करना है। दूसरा तरीका जो होता है साइटेशन का, रेफरेंस साइट करने का, वो ये वाला होता है, इंसर्ट एड न्यू सोर्स। यहाँ पे आप ऑथर का नेम लिखोगे जावेद, टाइटल क्या था, जो भी आपके आर्टिकल का टाइटल होगा, मीन्स के जो आर्टिकल डाउनलोड किया उसका टाइटल, ठीक है, वो लिखोगे, FDI एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन पाकिस्तान, ठीक है। जर्नल नेम होता है इन, यहाँ पे जर्नल नेम उसका था, जर्नल नेम वो होता है जिसमें आर्टिकल जो है वो पब्लिश हुआ होता है, ठीक है, जिस पेपर में आर्टिकल पब्लिश हुआ है वो उसका जर्नल होगा। ये तो यूनिवर्सिटी का पेपर है ना, ये रिसर्च पेपर है उसका, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि इस ये जर्नल है, ठहरे, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट है, यहाँ पे ये जो आर्टिकल है ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट का है, ये देखें प्रॉपर आर्टिकल ये होता है, यहाँ पे जो है ये रिसर्च पेपर था, ये देखें ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट है, जस्ट आपने यहाँ पे जो है वो उसका जर्नल नेम लिखोगे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, ईयर कौन था, कौन सा था, 2016 था उस आर्टिकल का, पेजेस क्या थे, पेजेस जो हैं वो आर्टिकल के ऊपर ही होते हैं, लिखे दिए होते हैं उन्होंने, जहाँ पे रेफरेंस वॉल्यूम भी दिया होता है और ये पेजेस 41 to 55, ये देखें आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा, यहाँ से 42 से, यानी कि ये वाला पेज 41 से 45 तक है, तो वो आपने जस्ट पेजेस जो हैं वो एडअप कर देने हैं। तो ये देखें आपके पास ये इस तरह आ जाएगा, लेकिन जो मेन आपका APS स्टाइल चलता है, जो आपका थीसिस में यूज़ होता है, वो ये वाला होता है, ये वाला, ठीक है। तो आप इसको ही कॉपी करना, ये जो है ये वर्ड जैसे जैसे अपडेट होता है ये अपडेट हो ही जाता है, लेकिन जो मेन है वो इस तरह है। और मैं आपको अपने जो है वो भेज दूँगी काम साइनॉप्सिस MPhil वाला, उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे आपका ये होगा ना, सॉरी नेम, वो जहाँ जहाँ इन्वर्टेड कॉमास होगा, दो नेम कैसे लिखने हैं, दो टू नेम्स होंगे बेसिकली अगर आपके जो ऑथर्स हैं तो उसमें आप एंड डाल के और सर नेम सेकंड का लिख दोगे, जैसे डोमिनो कह लो, ठीक है, सेकंड नेम, और इस तरह अगर मोर देन टू नेम्स होंगे तो वो भी उसमें मैंने जो जिस तरह किया है वो आप उस तरह कर लेना, ठीक है। ये था तरीका, और अब जो है आप लोग इस वीक में जो है यही काम करोगे कि अपना लिटरेचर रिव्यू राइट अप करोगे, और मेरी मेल आईडी है ठीक है, CHC जो है स्मॉल है, तो इस आईडी पे जो है ना आपने मुझे मेल कर देने हैं, कम से कम 5 आर्टिकल्स जो हैं वो आप इस वीक में करोगे और मुझे मेल करोगे, ताकि मैं चेक करके बताऊँ आपने ठीक लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, ठीक है। और ये जो नेम वाला है इसको हम बाद में देख लेंगे कि
कैसे ठीक करना है, ठीक है? अब नेम वाला अभी मैं आपको नहीं भेज रही अपना, तो आप जस्ट जो है जो आर्टिकल का नेम होगा उसमें से जितने भी आर्टिकल के लिए सॉरी ऑथर्स के नेम है उसमें जितने भी सर होंगे ऑथर्स उनका सर नेम और एंड एंड अंदर डाल देना ताकि मुझे आइडिया हो जाए, ठीक है? और रेफरेंस लाजमी देना है आपने जो भी लिटरेचर लेना है, ठीक है? आपने यहाँ पर सेकेंड लिटरेचर लिखोगे, आपने थ्रू आउट लिटरेचर लिखते जाना है और रेफरेंसेस सबके जो हैं वो लास्ट पर डालते हैं, ठीक है? और जो रेफरेंसेस आपने ज़रूरी देने हैं ताकि मैं चेक कर सकूं कि वो आर्टिकल है भी या नहीं, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।